पापा, अब मैं 12th क्लास में आ गई हूँ। मुझे पता है शालू बेटा। मुझे लगा आपको शायद ध्यान भी ना हो, आप घर पर वैसे भी बहुत कम रहते हो। मुझे अपनी कोचिंग लगवानी है। इतनी सी बात? अरे मनोहर शर्मा मेरे दोस्त हैं, शहर के सबसे रईस आदमी हैं। उनके अंडर में नताशा कोचिंग सेंटर चलता है, मैं वहीं तुम्हारी बात करके आता हूँ। शालू के पापा नताशा कोचिंग सेंटर जाते हैं, रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन शालू के पापा घर नहीं लौटते। तेरे पापा कहाँ रह गए, जरा फोन तो कर। शालू फोन लगाती है, पापा फोन नहीं उठा रहे। शालू और शालू की मम्मी नताशा कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि क्लासरूम में शालू के पापा की लाश पंखे से लटकी हुई है। शालू चिल्ला पड़ती है, शालू के पापा को किसने मारा? क्या है नताशा कोचिंग सेंटर का राज? आइए सुनते हैं कहानी भूतिया कोचिंग सेंटर। रमेश का परिवार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रहता था। रमेश एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पापा आज ड्यूटी से लौट कर आइएगा तो मोमोज लेते आइएगा। ठीक है बेटा। रमेश ड्यूटी से लौट कर आता है तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? स्कूल बंद हो रहा है, मेरी नौकरी चली गई। पापा आप एक कोचिंग सेंटर खोल लो, आपको मैथ्स बनानी आती है और कोचिंग सेंटर में अच्छी कमाई भी है। मेरे कोचिंग वाले सर को देख लो, महीने में लाखों की इनकम है। रमेश एक प्लॉट खरीद कर वहाँ अपना कोचिंग सेंटर बनवाता है और उसका नाम रखता है नताशा कोचिंग सेंटर। रमेश बहुत मेहनत और लगन से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, इसीलिए कुछ ही दिनों में उसका कोचिंग सेंटर अच्छा चलने लगा। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मनोहर शर्मा की नताशा कोचिंग सेंटर पर नजर पड़ गई। अगर ये कोचिंग सेंटर अपना हो जाए तो बहुत प्रॉफिट होगा। एक दिन मनोहर रमेश के घर पहुंचता है। नताशा कोचिंग सेंटर तुम्हारा ही है? हाँ जी, बताइए। मैं मनोहर शर्मा, मेरा नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूँ तुम अपना कोचिंग सेंटर मुझे बेच दो, मैं इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स भी रख दूंगा, मैथ्स तुम ही पढ़ाओगे, बस कोचिंग सेंटर मेरे अंडर में चलेगा। नहीं, मैं अपना कोचिंग नहीं बेचूंगा, पूरे शहर में कोई मुझे ना नहीं कह सकता। जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए मैं उसे खरीद कर ही रहता हूँ। मैंने आपसे कह दिया ना, नहीं बेचना है। ठीक है। मनोहर रात में कुछ गुंडे रमेश के घर भेज देता है और रमेश के पूरे परिवार को मरवा देता है। मनोहर नताशा कोचिंग सेंटर में अपने टीचर रखवा देता है और कोचिंग सेंटर उसके अंडर में चलती रहती है। 2 साल बाद, चलो बच्चों अब छुट्टी, अब हम दिवाली की छुट्टियों के बाद मिलेंगे। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और टीचर बोर्ड साफ करने लगता है। टीचर को 3 लोग बेंच पर बैठे दिखाई देते हैं। ये तीनों रमेश, रमेश की पत्नी और रमेश की बेटी के भूत थे। उनके चेहरे डरावने थे। अरे तुम लोग कौन हो? जाओ यहाँ से। तीनों आत्माएं टीचर का गला घोटकर उसे मार देती हैं। अगले दिन मनोहर शर्मा कोचिंग पहुंचता है। सीसीटीवी चेक करो। मनोहर देखता है कि रमेश के पूरे परिवार का भूत टीचर को मार रहा है। अरे नहीं, ये तो वही तीनों लोग हैं। लगता है इनकी आत्मा भटक रही है। अगर ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग गई तो पुलिस रमेश के परिवार की हत्या की भी जांच करेगी और मुझ पर शक करेगी, इसलिए पुलिस स्टेशन जाना बेकार है।
मनोहर घबरा जाता है। वो तुरंत अपने घर पहुंचकर पूरे घर में बॉडीगार्ड तैनात करवा देता है और एक तांत्रिक को बुलाकर पूजा पाठ करवाता है। वो तीनों आत्माएं मेरे पास तो नहीं आएंगी बाबा जी। नहीं, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मनोहर रात में बिस्तर पर सो रहा है, अचानक उसकी आंख खुलती है तो रमेश का परिवार भयानक शक्लों में उसके सामने था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। हमारा हंसता खेलता परिवार तूने अपने लालच के चक्कर में बर्बाद कर दिया। मनोहर अपने कमरे से बाहर भागता है और अपनी कार स्टार्ट करता है। वो कार से तांत्रिक के घर की ओर भागता है। तीनों आत्माएं उसकी कार में आ जाती हैं। अब तू हमसे बचकर कहीं नहीं भाग पाएगा। मनोहर डर के मारे कार नहीं संभाल पाता और उसकी कार खाई में गिर जाती है। मनोहर मर जाता है। आज भी नताशा कोचिंग सेंटर में रमेश की आत्मा भटकती है और लोग वहां जाने से डरते हैं। आजमगढ़ के एक घर में रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। और ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। रामानुज और उसका परिवार मद्रास के एक छोटे गांव में रहते थे। अम्मा, हमको आजमगढ़ जाना ही होगा, मेरा ट्रांसफर हो गया है। तू और तेरी बीवी जाओ, मैं और स्वरा यहीं रहेंगे। पर अम्मा, मैं तुम्हारे बगैर और अपनी गुड़िया के बगैर कैसे रह सकता हूँ? वो मुझे पता नहीं, मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं मरूंगी। वैसे भी मुझे नॉर्थ इंडिया नहीं जाना, वहाँ का रहन सहन और हमारा रहन सहन बहुत अलग है। और हमारी कुलदेवी वो भी तो यहीं है, मैं नहीं आ रही। तुझे चाहिए तो तू अपनी बेटी स्वरा को भी ले जा, वैसे भी वो बड़ी हो गई है। गांव में कॉलेज कहाँ है, वहाँ शायद इसकी पढ़ाई अच्छे से हो। अम्मा, क्या ये तुम्हारा आखिरी डिसीजन है? हाँ। रामानुज के लाख मनाने के बावजूद उसकी माँ आजमगढ़ आने के लिए तैयार नहीं थी, तो रामानुज उसकी पत्नी और बेटी तीनों तैयारी करने लगे। स्वरा, याद रहे, वहाँ जाकर हमारे संस्कार भूलना मत और रोज कुलदेवी की पूजा करना, वरना वो नाराज हो जाएंगी और कुलदेवी को मनाना बहुत मुश्किल है। जी दादी। और अगले दिन रामानुज अपनी पत्नी और बेटी के साथ सरकारी गाड़ी में निकल पड़ा। पर उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला था। वो लोग तो बहुत खुश थे। कितना अच्छा होता ना अगर अम्मा हमारे साथ आती तो। तू तो अम्मा को जानती है, कितना समझाया मैंने लेकिन वो माने तब ना। खैर, तुम बस ये याद रखो कि हमें जल्द से जल्द उन गांव वालों के साथ घुल मिल जाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है। और आपको स्वरा के लिए नया कॉलेज ढूंढना है। वो मैंने अपने कलीग को बोल दिया है, हमारे जाते ही वो स्वरा का एडमिशन अच्छे कॉलेज में करवा देगा। रामानुज और उसके परिवार को आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते सूरज ढल गया। जब वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने चंद्रमा को देखा और नमस्कार किया। तभी उसका ऑफिस का कुलीग वहां पहुंचा। आपका सफर कैसा था? ठीक था, बस थोड़ी थकान हो गई है। अभी आप लोग गाड़ी से उतरे तो आपने किसे नमस्कार किया? अच्छा, वो हमारे कल्चर में चंद्रमा को भी नमस्कार करते हैं, जैसे सुबह सूर्य देवता को करते हैं। अच्छा, लेकिन थोड़ा ऑड नहीं है चंद्रमा को नमस्कार करना? हमारे यहाँ तो सभी करते हैं, इसलिए हमारे लिए तो ये कॉमन है। अच्छा विवेक,
कल सुबह किसी पंडित जी को बुलवा दो, सबसे पहले घर में कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करनी है। हाँ हाँ, वो मैंने पंडित जी को बोल दिया है, वो सुबह 6 बजे आ जाएंगे। तब तक आप सब लोग रेस्ट कर लीजिए, मैंने खाना भी टेबल पर रेडी रखा है। थैंक यू विवेक, सो काइंड ऑफ यू। विवेक वहाँ से चला गया। रामानुज और उसका परिवार घर के भीतर गया। सफर की वजह से उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो वो फ्रेश होकर सीधे खाना खाने बैठे। अम्मा, डोसा नहीं है। स्वरा, ये नॉर्थ इंडिया है बेटा, यहाँ डिनर में डोसा नहीं खाते। पर हम तो खाते हैं ना। तुम अभी ये पराठा और सब्जी खा लो, कल मैं तुम्हें डोसा बनाकर खिलाऊंगी। स्वरा को ना चाहते हुए भी पराठा और रोटी खानी पड़ी। फिर वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह पंडित जी आए कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करने। जजमान, आपकी कुल देवी की मूर्ति की स्थापना करनी है ना? हाँ हाँ, आप अंदर आइए। पंडित जी पूजा घर में मंत्रों का जाप करने बैठ गए। कुल देवी की मूर्ति लाइए और एक टॉप में दूध भी लाइए। रामानुज की पत्नी दूध का बर्तन लेकर आई और रामानुज एक लाल कपड़े में लिपटी हुई कुल देवी की मूर्ति लेकर आया। रामानुज ने वो मूर्ति पंडित को दे दी। पंडित ने मूर्ति का दूध से अभिषेक किया। ऐसी मूर्ति मैंने पहली बार देखी है, कौन सी देवी की प्रतिमा है ये? ये रुद्र भैरवी की मूर्ति है। रुद्र भैरवी की मूर्ति तो ज्यादातर तांत्रिक और अघोरी पूजते हैं ना? नहीं नहीं पंडित जी, हमारे गांव में सभी लोग रुद्र भैरवी को ही पूजते हैं। ठीक है, मैं मूर्ति की स्थापना करता हूँ। पंडित जी ने मंत्रों के साथ मूर्ति की स्थापना कर दी। फिर वो अपनी दक्षिणा लेकर वहाँ से चले गए। जब मंदिर में रामानुज के पड़ोसी आए तो पंडित जी ने उन्हें बताया, संभाल कर रहना, तुम्हारे बगल वाले शायद तांत्रिक हैं। वो तो बहुत सीधे साधे दिखते हैं। ये लोग तांत्रिक हैं क्या? पता नहीं, पंडित जी तो बोल रहे थे। वो देखो, वो लोग छत पर खड़े रहकर चंद्रमा को नमस्कार कर रहे हैं। फिर तो ये लोग पक्का तंत्र मंत्र वाले होंगे। पड़ोसी आपस में फुसफुसाने लगे। फिर एक दिन पड़ोसियों ने एक सभा बुलाई। हमें ऐसे तंत्र विद्या वालों को हमारे मोहल्ले में नहीं रहने देना चाहिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने तो सुना है ये तंत्र मंत्र वाले बच्चों की बलि भी देते हैं। मेरा तो सोचकर ही मन घबरा रहा है। हम लोगों को इन्हें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। सारे पड़ोसियों ने झुंड बनाया और वो रामानुज के घर पहुंच गए, जहां रामानुज और उसका सारा परिवार उनकी संध्या आरती कर रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम लोग हो, तुम लोग तंत्र मंत्र करते हो। हम तुम जैसे लोगों को हमारे मोहल्ले में नहीं रहने दे सकते। तुम्हें ये मोहल्ला छोड़ना ही होगा। नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। फिर ये मूर्ति? ये हमारी कुलदेवी रुद्रा भैरवी की मूर्ति है। क्या ये भूतों की देवी नहीं है? है, लेकिन ये हमारी कुलदेवी है। सारे पड़ोसी रामानुज के परिवार की ओर बढ़ने लगे और गलती से रामानुज की पत्नी की साड़ी में दिए की आग लग गई। बचाओ, बचाओ! रामानुज बचाने आया और उसी हड़बड़ में उसका दूसरा दीवार गिर गया, जिससे आग भड़क उठी और रामानुज और उसका परिवार जलने लगा।
हमारी मदद करो, मुझे कोई बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। पूरा परिवार मदद की भीख मांगता रहा, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग निकले। इस दिन के बाद से हर रात इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पड़ोसियों में हिम्मत नहीं कि वो रात को इस घर के आसपास भी भटक सकें। और इस घर को भूतिया परिवार के घर के नाम से जाना जाता है। आज भी रामानुज का परिवार रोज उस आग में जलता है।